आज का जो लेक्चर है इसमें हम हेलोजिनो एल्केन्स से स्टार्ट करेंगे और बस ये हेलोजिनो एल्केन्स है और इसके बाद बस थोड़े से और दो तीन टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, बस वो कंप्लीट करेंगे हम और इंशाल्लाह हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगा। तो हेलोजिनो एल्केन्स से स्टार्ट करते हैं तो हम सीधी तरह बस आके इसके रूल्स पर आते हैं। तो वो रूल्स ये है कि द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मस्ट कंटेन कार्बन अटैच विद द हैलोजन। असल में होगा ये कि एक एल्केन होगा उसके साथ कुछ हैलोजन्स अटैच होंगे और इन दिस वी हैव टू ट्रीट हैलोजन्स एज अ ब्रांच। ठीक हो गया। अब आगे हैं तो एग्जांपल आप ये ले लें कि आपके पास एक ये था हैलोजिनो एल्केन है, आपने नंबरिंग स्टार्ट किया है कहाँ से, यहाँ ए से बी गए हैं। अब ए से क्यों नंबरिंग स्टार्ट नहीं, क्योंकि तो लिखा है द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मस्ट कंटेन कार्बन अटैच विद द हैलोजन। तो अब आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, बी से करें, ए से करें, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कार्बन हमेशा अटैच होना चाहिए जो हैलोजन के साथ है। तो हमने ए से की नंबरिंग तो इसका नाम हमने 5-ब्रोमो-2-मिथाइल-हेप्टेन कर दिया, क्योंकि ब्रोमीन जो है ये 5 पर है, 2 पर मिथाइल है और 7 कार्बन है तो हेप्टेन। ठीक हो गया। अब हम आगे आते हैं तो अच्छा जी, तो एस्टर्स जो है ये आप ऑलरेडी ओ लेवल्स में पढ़ के आए हुए हैं और इस ओ ए लेवल्स और ओ लेवल्स के एस्टर्स में कोई खास फर्क नहीं है। अब आप सबको पता है कि एस्टर क्या होता है और एस्टर बनता कैसे है, कोई बता सकते हैं? होता ये है क्यों है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन एल्कोहल कंबाइन और वी कैन से रिएक्ट एंड एस्टर इज फॉर्म्ड प्लस वाटर। अब सवाल ये है कि वाटर कहाँ से आता है, ये वाटर कहाँ से आता है, ये वाटर यहाँ से आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये अपना ओ एच देता है, एल्कोहल अपना एच देता है, तो ये ओ एच मिल के वाटर बनाते हैं। एक सेकेंड, ये तो एरो बड़ा खराब बना, तो ये ओ एच ये वाटर बनाते हैं और ये मिल के आपके पास वाटर बनाते हैं। अब बात ये है कि अगली बात हम ये करते हैं कि नेमिंग के दौरान जब नेमिंग करते हैं तो जो नेम बनता है उसका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो अल्कोहल से आता है और सेकंड पार्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। अब जब हम आगे आगे कुछ एस्टर्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम देख रहे होंगे कैसे जो है वो कैसे नेमिंग होती है। तो बात यह है कि एक चेन है, समझे, ये एक फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ डैश। अब इस फंक्शनल ग्रुप के आगे अगर आप एच लगा दो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, सी लगा दो तो ये एस्टर बन जाएगा। ये हम आगे जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब हम ये सारा कुछ देख रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और अब हम कुछ एस्टर्स बनाते हैं। उसके लिए मैं आपके साथ दोबारा नई स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी, अब आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ आपने इनके एस्टर्स बनाने हैं तो आप एस्टर्स बनाए। अब देखते हैं कि ये आपके पास सबसे पहले C3OH है और आपका C3CO2H है। अब मैं ये कैसे एस्टर बनाते हैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पूरा का पूरा बता सकूं, नहीं तो या उसमें ऑलरेडी करके आए हुए हैं ना। तो अब आप जरा इसको खोल लें, जरा डिस्प्ले फॉर्मूले की ओ एच, अब इसको उल्टा करके लिखना है क्योंकि इसका ओ सी ओ टू एच इस तरफ है, तो आप उल्टा करके लिख दें। और ओ एक सेकेंड, ये क्या हो गया, गलती होगी ना, सी एलोन ओ है फिर सी है फिर इधर एच है फिर उल्टा कर।
अब क्या होगा, अब ये होगा कि हमने जैसे पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH देगा, ये अपना OH दे रहा और ये अपना H दे रहा है, और जब रिजल्टिंग जो बनता है वो क्या है, CH, H, H, O, C और O, C, H, H, H और प्लस H2O, H2 इधर आ गया। और अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, इसका नेम होगा, नेमिंग करते वक्त पहला पार्ट किसका था, एल्कोहल का, तो एल्कोहल इधर कौन सा है, मेथनॉल, तो आप मेथनॉल, मिथाइल, और ये क्या है, एथेनॉल कहते हैं, मिथाइल इथेनोइट, ठीक हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये वाली करें, दूसरी वाली, ठीक है। अब आपने दूसरी वाली करनी है, आपके पास H है, C डबल बॉन्ड O, O H है, और CH3C, अरे ये क्या हो गया, वहाँ लिखते हैं H C डबल O, O H है, फिर अब इसको आपने उल्टा करके लिखना H O C H H C H H H, कार्बोक्सिलिक ओ एच देगा, ये अपना ओ देगा, ये आपके पास मान गया सी ओ एच ओ सी, ये सी एच 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 एच, और इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट पार्ट हमने क्या कहा था, कहाँ से आता है, अल्कोहल से आता है, अल्कोहल इधर कौन सा है, मेथनॉल, तो नेम और कब, नहीं सॉरी, एल्कोहल एथेनॉल है, तो इसका नाम होगा इथाइल, और एसिड कौन सा है, मेथनॉल, इथाइल मिथेनोइट, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स करा दी, बाकी एक ये वाली है, ये आप देख लें, लिख लें, आप खुद कर सकते हैं, एक ये वाली है और पेपर में, और अच्छा ये वाली भी है, ये भी एक एग्जांपल आ गई, ये भी है, बस अच्छा ये वाली है, तो ये आप देख लें, लिख लें, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में। हम आगे आते हैं और अब हम बात करते हैं, हम अगली आगे बढ़ते हैं, अब हम